ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं विजय माल्या की खबर की, जिसके लंदन में दिए गए बयान पर दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। माल्या ने कल दावा किया था कि देश छोड़ने से पहले उसने संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माल्या ने दावा यह भी किया था कि यह मुलाकात बैंक सेटलमेंट को लेकर हुई थी। हालांकि माल्या ने बाद में सफाई दी और कहा कि उसकी बात का गलत मतलब निकाला गया, जेटली से कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई थी। जेटली ने माल्या के बयान को गलत बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यसभा सांसद के तौर पर विजय माल्या संसद आते थे। एक दिन जब वो संसद से अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे तो सांसद के अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए विजय माल्या पीछा करते हुए उनके पास आए, लेकिन कुछ भी बात करने से इनकार किया और कहा कि वो बैंक से बात करें। मैंने 2014 के बाद से कभी माल्या को मिलने का कोई समय दिया ही नहीं। हालांकि इस पर सियासत गर्म है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जेटली के इस्तीफे की मांग कर डाली। पहले आप माल्या का आरोप लगाने वाला और फिर सफाई देने वाला बयान सुनिए। आई लेफ्ट बिकॉज आई हैड अ स्केड्यूल्ड मीटिंग इन जिनेवा। आई मेट द फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर आई लेफ्ट, रिपीटेड माई ऑफर टू सेटल विद द बैंक्स। To meet Mr. Jetley in Parliament, and I told him that I was leaving for London and that I want to settle with the banks. I did not have any formal meeting scheduled with him. I met him often enough in Parliament, in the House and in Central Hall, and I have expressed to him my willingness to settle on many an occasion, and I don't understand what this controversy is all about. माल्या के दावे को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने झूठा करार दिया है। जेटली ने कहा कि माल्या से उनकी कभी भी कोई औपचारिक मुलाकात हुई ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये माना कि संसद की कार्यवाही के दौरान उनकी माल्या से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। I have never given him an appointment, never at my office, never at my residence, nor have I ever offered to meet him. I do remember on one occasion he misused his privilege as a member of Rajya Sabha, and while I was walking out of the Rajya Sabha to my room and suggested that he was going to make some offer of settlement, I did not even bother to get any detail from him. I curtly told him that he must go and make it to the bankers. तो लंदन में विजय माल्या एक बयान देते हैं और भारत में सियासी घमासान मच जाता है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ब्रजेश, ये तो पता नहीं कि विजय माल्या कब भारत लौटेंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो वहां बैठे बैठे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं और यहां पर हिंदुस्तान में सियासी घमासान मच जाता है। देखिए शोभना, पिछले काफी समय से विजय माल्या एक विपक्ष के पास एक हथियार के तौर पे विपक्ष उनका इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि विजय माल्या को भारत से भगाने में केंद्र सरकार की भूमिका रही है। केंद्र सरकार अपने आप को इस देश का चौकीदार कहती है, उसके बावजूद विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इस देश को छोड़कर भाग जाने में सफल रहते हैं। इससे पूरी केंद्र सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन्न होता है। और इसी बीच विजय माल्या लंदन में एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और उन्होंने सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया था। इससे जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में एक राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। विपक्ष का अब यह कहना है कि यदि केवल एक अनौपचारिक मुलाकात ही सही, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुलाकात को सबके सामने क्यों नहीं लाया? क्या उन्होंने सरकार या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यह बताने की जहमत उठाई कि विजय माल्या ने उनसे क्या कहा था, भारत छोड़कर जाने से पहले क्या कहा था? और उनका अब कहना यह है, विपक्ष का कहना यह है कि अरुण जेटली को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए
और जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच ना हो जाए उन्हें अपने पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरुण जेटली का यह कहना है कि उन्होंने उनके ऑफिस ने 2014 के बाद विजय माल्या को किसी भी प्रकार की औपचारिक मुलाकात का समय दिया ही नहीं। वो केवल 10 सेकंड की मुलाकात थी जिसमें विजय माल्या ने यह कहने की कोशिश की कि वो अपने पूरे अकाउंट का सेटलमेंट करना चाहते हैं। उस पर अरुण जेटली ने यह कहा कि आप जाके बैंकर से बात कीजिए। अपने स्टेटमेंट में अरुण जेटली ने यह भी लिखा कि जो इकलौता कारण था जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की बात कही वो ये था कि इससे पहले भी विजय माल्या बैंकों को कई बार सेटलमेंट का लालच दे चुके थे, लेकिन सेटलमेंट की बात करने के बावजूद बाद वो हमेशा अपनी बात से पीछे हट जाते थे। विजय माल्या ने भी अरुण जेटली के बयान के बाद इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि उनकी कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो केवल 15-20 सेकंड की अनौपचारिक मुलाकात थी और इसे भारत में सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। लेकिन इससे एक चीज साफ है शोभना कि अब विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है और वो इस मुद्दे पे सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। ब्रजेश बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2019 तक हमें ये टॉम एंड जेरी का खेल देखने को मिलता रहेगा चाहे रघुरामन का बयान आया हो और ठीक एक दिन बाद विजय माल्या का बयान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।